अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ ऑफ फिरना। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सबसे पहले रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और मज़े मज़े के व्लॉग इन्जॉय करें। तो जी आज हम रोही पहुँच चुके हैं। मैं जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि मैं रोही जा रही हूँ, तो ये देखें बर्तन धोने का तरीका और इतने खूबसूरत, जैसे अभी न्यू शॉप से लेके आए हुए हूँ, इतने खूबसूरत और साफ़ सुथरे बर्तन वॉश करके रख रही हैं। और यहाँ पे ये देखें छोटी सी जगह बनाई हुई है जहाँ पे बर्तन वॉश कर रही है, और ये दूध वाले बर्तन हैं, खाने पीने वाले बर्तन हैं, और ये छोटा सा मुझे लग रहा है वॉशरूम है। ये छोटा सा इन्होंने वॉशरूम बनाया हुआ है, और ये देखें लपाई की हुई है हाथों की मदद से, यानी कि बारिश हुई है तो बारिश की वजह से जो मिट्टी होती है ना वो पिघल जाती है, यानी कि उतर जाती है, तो फिर ये हाथों की लपाई है, इनकी खूबसूरती है हाथों की जो इतनी खूबसूरत लपाई करती हैं। और ये देखें दीवारें वगैरह जो हैं और मकान वगैरह जो है सारे की सारी लपाई की हुई है। और ये रूम है इनका, और यहाँ पे भी इन्होंने अच्छे से खूबसूरत सी लपाई हाथों की मदद से करके, और ये देखें सारे के सारा, ये देखें इतनी सफाई के साथ जो इनकी चीज़ें हैं इन्होंने इधर रखी हुई हैं। और यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे क्या रखते हैं, क्या रखते हैं, यहाँ पे ये बर्तन वगैरह यहाँ पे रखेंगी, और बाकी जो घर की चीज़ें जो इस्तेमाल वाली होती हैं वो यहाँ पे रखेंगी, और यहाँ पे चरपाइयाँ वगैरह जो होंगी, और यहाँ पे बर्तन लगाते हैं, बर्तन लगाते हैं हाँ, और यहाँ पे बर्तन लगाएंगी अपने ना। अभी इस रूम की जिस सफाई वगैरह हो रही है, और ये देखें बिस्तर वगैरह बाहर निकाल के रखे हुए हैं इन्होंने, और ये चीज़ें, और बच्चे इतने हैप्पी हैं हमें देख के भागते हुए आए हैं। यहाँ भी चीज़ें वगैरह इन्होंने रखी हुई हैं, और ये है इनका किचन। और ये ना जब मैं आई हूँ तो आंटी लपाई कर रही थी, ये देखें ऊपर मिट्टी लगाई हुई है, और ये सर्दियों में ये देखिए जी सर्दियों में जब ठंड होती है उस वक्त ये चूल्हा इस्तेमाल में लाते हैं, तो अभी इसकी बारिश की वजह से ये सही नहीं रहा, तो उन्होंने फिर मिट्टी वगैरह लगा रहे हैं ऊपर। और ये देखें ये चूल्हा है, और अभी दीवारें वगैरह की लपाई हो चुकी है, और इन आंटी ने की है जो कि बड़ी खूबसूरती और सफाई के साथ की हुई है। और मैं आपको बाहर का किचन दिखाती हूँ, ये जैसे आम यूज़ करने वास्ते है ना, तो जैसे ये आम यूज़ करते हैं दिन में और गर्मियों में, गर्मियों में यूज़ करने के लिए, ये देखें यहाँ पे इन्होंने अपनी अच्छा अच्छा वो यही चीज़ें बता रही हैं कि जो पत्ती जो घर सालन वगैरह रोटी वगैरह अच्छा अच्छा ये देखें इन्होंने कितना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि ये देखें इन्होंने खुद बनाई हुई है। और ये यहाँ पे बर्तन धो के रखे हुए हैं, वो इस्त्री पड़ी हुई है, ये देखें यहाँ पे भी इस्त्री इस्तेमाल होती है कोयलों वाली, ये इस्तेमाल ये देखें कोयलों वाली इस्त्री है जो इस्तेमाल में लाते हैं। और ये बाहर का किचन बनाया हुआ है इन्होंने, और ये देखें एक और किचन दिखाती है तंदूर, ये जो तंदूरी पर रोटी लगाती हैं ना, अच्छा 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 यहाँ पे ना दूध, और ये देखिए तंदूर लाइव तंदूर देखें आप, और ये देखें तंदूरी पे जो रोटी लगती है ये यहाँ पे बैठ के रोटी लगाते हैं। और ये देखें कनाली, जिसमें हम लोग ये कनाली बोलते हैं और हम परात भी बोलते हैं पंजाबी में, और ये अच्छा मैं इनसे पूछती हूँ कि ये सराइकी में क्या कहते हैं, इसमें जी आटा वगैरह गूंथते हैं, और वहाँ पर वो जो है छोटी वाली उसमें ये देखें ये भी बता रही हैं आंटी, हाँ आप बताएं क्या, अच्छा झरने इसको कहते हैं झरनी, जो दूध हाँ। जैसे मक्खन नहीं निकालते हाँ। ये झरनी है इनकी हाथ की बनाई हुई है हाँ, ये देखें ये है झरनी जो कि ये दूध से दूध में से मक्खन निकालते हैं, लस्सी बनाते हैं इससे। और ये देखें यहाँ पे इन्होंने साथ में ये भी लगा रखी है, अच्छा तुसी एक को क्या आख दे हो ए, ए, पात हाँ ये सराइकी है ना, तो ये पात बोलते हैं पंजाबी में, परात बोलते हैं और कनाली भी बोलते हैं, और हम लोग उर्दू में ये कहते हैं खुला बर्तन जिसमें बर्तन आटा वगैरह इसको गूंथते हैं। और ये है जी छोटी सी जिसमें ये
हाँ चटनी वगैरह बनाती हैं और ये चीज़ें जो हैं इनकी यहाँ की ये स्पेशलिटी है और ये चीज़ें हैं और ये है इनकी वो छोटा सा जैसे बरामदा टाइप। हम लोग तो हमारे घरों में तो होता है ना ईंटों का बना हुआ और इन्होंने ये इसको बहन से पूछती हूँ कि क्या कहते हैं। अच्छा ये झोंपड़ी है, ये भी झोंपड़ा ही बोल रही हैं और ये झोंपड़ी सी बनाई हुई है और ठंडी हवा ही आ रही है। ये रोही का झोंपड़ा है और इसको झोंपड़ा ही बोलते हैं और अच्छा इसको झोंपड़ा बोल रही हैं और इसको क्या बोल रही हैं आंटी? ये किचन को साल बोल रही हैं, हम लोग किचन कहते हैं और ये साल कहती हैं यहाँ पे। और ये देखें इन्होंने बाहर बैठने के लिए हवा के लिए चरपाइयाँ बेचारे रखी हुई हैं यहाँ पे और यहाँ पे हवा के लिए और खुली हवा है। ये देखें सब एक दूसरे के घरों में आ रहे हैं जा रहे हैं और बैठ रहे हैं और खाना वगैरह खा रहे हैं, कामों से फारिग होके आ गए सब भाई भी और ये आपस में एक दूसरे के बहन भाई सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और ये एक दूसरे से यानी कहते हैं ना लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ नहीं होती हैं, एक दूसरे के बड़े अच्छे यानी कि सारे रिश्तेदार हैं ये सब लोग एक दूसरे को। और कह रहे हैं कि हम बच्चे बहुत सारे हमारे बच्चे हैं यहाँ पर ना कि इनके बच्चे हैं वो मस्जिद में ही पढ़ते हैं, इनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं है यहाँ पर सिर्फ मस्जिद है वहाँ पर कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे यही थी जी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है लाइफ और फिरना के नाम पे, प्लीज़ वहाँ पे भी जाके जल्दी से